आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ए दे रखे है, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, इस हिसाब से बोला क्या है, ये अल्फा है, ये क्या है, रियल नंबर है, और बोला है इस जो पैटर्न में, पैटर्न क्या है, कॉस साइन अंदर है रियल नंबर, जो सारी मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें अंदर क्या है कोई रियल नंबर है, उनका जो ग्रुप बनेगा, मतलब इसमें एलिमेंट क्या है, अल्फा की जगह अलग अलग कोई भी रियल नंबर आएगा, तो क्वालिटी सारा सेम होना चाहिए, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 100 चलेगा, 1.5 चलेगा, रियल नंबर मतलब 2 3 सारा चलेगा, समझ गया ना, ये सारे एलिमेंट्स होंगे इसके, जो ये ग्रुप बनता है ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट अबेलेबिलिटी बनेगा। तो देखो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले लेट जी बना रहे थे, इसमें जी दिया हुआ है, तो यहाँ तीन एलिमेंट ले लिए, लेट ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा बिलोंग्स टू जी, मतलब ए अल्फा क्या है, यही है, ए बीटा क्या है, अल्फा की जगह बीटा हो गया, और गामा क्या है, अल्फा की जगह गामा हो गया, भले आपको और अच्छे से लिखना है, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, रियल नंबर, तभी हो जाएगा इसका जी, एग्जैक्टली। अब यहाँ पहला जी है, जगह का थोड़ा यहाँ पे है ना, पहला अच्छे से लिखो, बाकी तुम भी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे तो पेजेस काफी बढ़ जाएंगे, वरना क्लोजर लो। हिंदी में क्या संवर्त नियम, ये क्या होता है, यदि ए अल्फा जी का है, ए बीटा जी का है, और ए अल्फा डॉट ए बीटा, ये डॉट कौन सा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहां दिया हुआ ऑपरेशन मैट्रिक्स में, ये भी यदि जी का आ जाए तो क्लोजर लो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो ए अल्फा आपको पता है क्या होगा, इसकी जगह अल्फा हो जाएगा, ए बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा, बस इसकी वैल्यू निकाल दो, तो हम निकालते हैं ए अल्फा डॉट बीटा, ये यदि जी का आ जाए तो बात हो जाएगी, ए अल्फा क्या है जल्दी बताओ, कॉस अब देखो यहां पे बीटा क्या होगा जल्दी बताओ, बीटा क्या होगा जल्दी बताओ, मुझे नोटिफिकेशन ऑफ करना है, यस अब देखो बीटा क्या हो जाएगा मनीषा सिंह, कॉस बीटा माइनस साइन साइन बीटा कॉस बीटा, इज दैट क्लियर, तो यहां से ए डॉट बी का क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करा रहे मैंने, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करोगे ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या कौन सा फॉर्मूला बनाया, साइन अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस कॉस यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन वो माइनस कॉमन लेते साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें वापिस ये लगाओगे ना साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, साइन ये साइन वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये आपका ए प्लस बी तो बन रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा सेम तो बन रहा है, इज दैट क्लियर भाई, साइन वाला नेगेटिव कॉस वाला प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो बन रहा है, तो ये आपके ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये है ना, इसका मतलब ए अल्फा प्लस बीटा बन गया है, जहां इसमें अल्फा है इसमें बीटा है, यहाँ क्या अल्फा प्लस बीटा, ये जी का मेंबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर है ना भाई, कंडीशन क्या है, ये जी का नंबर जब होगा कॉस साइन इनके अंदर वाला एलिमेंट आर का होगा, तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर दो सम कर एडिशन भी रियल नंबर हो जाएगा ना ये जी का, तो यहां से क्या हो जाएगा क्लोजर लो सेटिस्फाई। अब देखो एक लाइन है वो आपको हमेशा याद रखनी है, जी टू, अब यहां एसोसिएटिव लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है, यहां क्या हो जाएगा सहचारी, सह या सहचारी सहचारी,
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक तो ए अल्फा बीटा गामा लो सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पूरा ये पर जो मैं लिख रहा हूं दैट इज लाइक ए अल्फा प्लस बीटा और ये क्या हो गया ए गामा इक्वल्स टू, यदि ये आ जाए ए अल्फा ए बीटा ए गामा तो अपनी बात बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड लोगे, अब देखो आपको स्मार्ट रहना है, ए अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला है कि क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यही तो है, और यहां क्या है ए गामा है, फिर इनको करोगे इस पूरे को अल्फा की तरह ट्रीट करो, इस पूरे को बीटा की तरह ट्रीट कर दो, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा पूरा अल्फा की जगह बीटा की जगह गामा, ये आ जाएगा। फिर आपको पता है रियल नंबर का सम है, तो रियल नंबर को वापस ऐसे भी कर लिख सकते हैं, ये सम ऑफ रियल नंबर इज भाई प्लस ऑपरेशन में रियल नंबर क्या होते हैं एसोसिएटिव में सेटिस्फाई करते हैं, पहला दो ऐड करो फिर तीसरा करो लास्ट दो करो फिर, और इसको वापस क्या लिख सकते हो ए अल्फा और ये बी प्लस को वापस लिख सकते हो क्या ए बीटा बीटा गामा, और इसको वापस लिख दिया ए अल्फा और इसको लिख दिया ए बीटा ए गामा, सीधा ए में ही हमने कोई रामायण नहीं करी, बाकी मैट्रिक्स सॉल्व करते बहुत टाइम लगता। एक बात आपने जब क्लास 12 में आपके टीचर ने आपको जब पढ़ाया था मैट्रिक्स वहां पे एक लाइन जरूर लिखाई थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो आप वो लाइन भी लिख सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन वहां ही लिखा दिया आपको इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ऑलवेज एसोसिएटिव क्लास 12 में पढ़ाते हैं ये चीज, जो आव्यूह गुणन है आव्यूह गुणन हमेशा हमेशा सहचर्य नियम की पालना करता है, सहचर्य नियम की पालना करता है, मतलब दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे को करो या दूसरे तीसरे करके पहले करो सेम ही बात, ये आपका क्लोजर हो गया एसोसिएटिव, ये आपका Z3 कौन सा आइडेंटिटी, एग्जाम में लिखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तत्समक, मैंने पहला करा है ना अब मैं सारे शॉर्ट करूंगा, यदि इसका क्या मतलब फॉर ऑल G के हरेक एलिमेंट अल्फा की जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है के लिए यदि आपको ऐसा E मिल जाए वो भी G का एलिमेंट होना चाहिए सच दैट A अल्फा डॉट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो E का ये आपका E है वापिस क्या आना चाहिए A अल्फा ही आना चाहिए, तो आपको पता है यदि A अल्फा डॉट E है वो वापिस क्या लाना है A अल्फा ही लाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा सोचो यदि आपका A अल्फा है ये E है इफ यदि आप सोच लिया इफ E क्या हो जाए A जीरो हो जाए, ये A जीरो हो जाए तो यहां क्या होगा A डॉट A अल्फा डॉट A जीरो क्या होता है A अल्फा प्लस जीरो और ये वापिस क्या हो गया A अल्फा ही हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है E है, A जीरो का मतलब हो गया यहां सब जीरो, यहां जीरो यहां जीरो ये वन अल्फा की जगह जीरो, तो यहां से E क्या आ गया आपका आइडेंटिटी क्या आ गया बताओ A जीरो आ गया ना मतलब वन वन जीरो जीरो ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी होगी चौथा, और यहां है ना आपको A पूरा आइडेंटिटी लिख देना वन जीरो जीरो वन, यहां इनवर्स है सारे मैं इसमें ही लिखवा रहा हूं क्योंकि हमने वहां प्रूव कर लिया है मल्टीप्लाई वाला, इनवर्स क्या होगा इसका मतलब होता है फॉर ऑल हरेक ए अल्फा बिलोंग्स टू जी के लिए एक ऐसा देयर एग्जिस्ट यदि एक ऐसा ए अल्फा इनवर्स मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे सच दैट ये होना चाहिए इसमें और इस एलिमेंट में ऑपरेशन लगाओ तो वापिस आपका ई आना चाहिए ठीक है, और ई क्या है ए जीरो है, तो यहां पर आपको अपने आप पता चल गया कि जो ए अल्फा इनवर्स है वो क्या होना चाहिए ए माइनस अल्फा होना चाहिए, क्यों क्योंकि तभी तो ए अल्फा डॉट ए माइनस अल्फा क्या होगा ए अल्फा प्लस ये माइनस अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए जीरो हो जाएगा वो आपका ई है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एग्जैक्टली exactly और यहां से ये दिख रहा है नीचे एक लाइन लिख दो नहीं दिख रहा यहां लिख देता हूं छोटी सी लाइन
कम्यूटेटिव वाले में, तो देख रहे हैं मैंने टाइम कितना बचाया है, एक क्लोजर लॉ को मैं अच्छे से प्रूव करा, उसके बाद मैंने यहां से जो मेरा बना है तरीका मैंने उसको ही यूज कर लिया। यहां से आपका जी फाइव क्या हो जाएगा, जी फाइव हो जाएगा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मतलब हिंदी में क्रम विनिमय, नियम लिख देना कम्यूटेटिव में क्रम विनिमय। इसमें तो सीधा आपने लिया ए अल्फा और एंड ए बीटा, फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट लिए, फॉर ऑल ए अल्फा एंड ए बीटा इसके एलिमेंट है जी के हैं। तो यदि आपका ए अल्फा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ए बीटा यदि किसके इक्वल आ जाए, ए बीटा और ए अल्फा के इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी। और आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए अल्फा डॉट ए बीटा, तो क्लोजर लॉ से आपको पता है ये क्या बन जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। ये दोनों रियल नंबर है तो इसको बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हो, और वापिस ये क्या होगा ए बीटा और ए अल्फा जो राइट हैंड साइड है, तो मतलब एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई। इज दैट क्लियर? यहां लिख दो जी सिक्स, जी सिक्स में कुछ नहीं लिखना है, ऑर्डर ऑफ जी लिखना है, और वो क्या है इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी है, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, कितने एलिमेंट होते हैं उस ग्रुप में। अब एलिमेंट यहाँ कॉस साइन साइन कॉस आना चाहिए, अल्फा की जगह रियल नंबर, रियल नंबर पुट करते रह जाओ एलिमेंट मिलता जाएगा, अल्फा की जगह 1, 2, 3, 4, 5, -1 रूट वाले सारे, तो यहाँ इंफिनिट में अल्फा मिल रहे हैं, तो यहाँ ऑर्डर क्या हो गया, तो यहाँ फिर लिखो जी वन से जी सिक्स क्या हो जाएगा, जी इज एन इनफाइनाइट अबेली ग्रुप। कल मैंने होमवर्क दिया था वो हुआ है नहीं हुआ क्वेश्चन, हो गया? चलो ठीक है, हाँ हाँ हो गया, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और तुम होमवर्क लिख लो, इजी जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये पूरा अलग टाइप का हो गया। कल कौन सा होमवर्क दिया था मैंने, क्यू माइनस वन वाला ना, ये एक और उससे सिमिलर क्वेश्चन है, इफ जी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जी बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, मतलब वन के अलावा सारे रियल नंबर, सॉरी माइनस वन, इफ जी बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, तो वन के अलावा सारे, माइनस वन के अलावा सारे नंबर, ये है एंड ऑपरेशन जीरो भी डिफाइंड, ऑपरेशन जीरो बी डिफाइंड एज, ऑपरेशन आपका दिया हुआ है, यहां लिख दो माइनस वन के अतिरिक्त वास्तविक समुच्चयों का समूह, जीरो के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं संख्याओं का समुच्चय तथा संक्रिया
ये जीरो है संक्रिया। अब संक्रिया कैसे दे रखी है, ए ऑपरेशन बी आपका दे रखा है, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी। और यहां फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। देन प्रूव दैट जीरो इज एन अनफाइनाइट एबिलिटी, देन प्रूव दैट जीओ इज एन इनफाइनाइट अबेली ग्रुप। सिद्ध कीजिए जी कोमा जीरो एक अपरिमित अबेली समूह है। अब देखो पहले यहां ग्रुप बनाओ, अरे क्लोजर हो तो लिख देते, फिर अब मैं ना बहुत शॉर्ट करूं, मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हेडिंग वगैरह, सिर्फ रूल लिखूंगा और सिंपल सिंपल सा छोटा सॉल्व करूंगा, ठीक, वो तुम्हें खुद को लिखना है। सबसे जरूरी जी क्या है, एलिमेंट और एलिमेंट के बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ए इज एन इंटीजर एक्सेप्ट जीरो एक्सेप्ट माइनस वन। ये माइनस वन दिया इसका मतलब निकलेगा, सही सॉल्व करेंगे तो कहीं इंफिनिटी बन जाएगा माइनस वन की जगह, इसीलिए इसको होता है माइनस वन के अतिरिक्त पूर्णांक। मतलब इसने क्या बोला है, इन सारे एलिमेंट के बारे में बता दिया, यहां वन टू फाइव कुछ भी लिखो, जीरो लिखो, माइनस माइनस सेवन माइनस एट, बट माइनस वन के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, समझ गए ना, इसने डिफाइन कर दिया यहाँ एलिमेंट यहाँ उसके कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं जी वन की, जी वन मतलब तुम समझ गए, मैं नहीं बताऊंगा क्या है, क्लोजर है, मैंने नेमिंग इसीलिए करी, अब मैं उसका फायदा उठाऊंगा। यहाँ पे सीए लिखने कोई जरूरत नहीं, जीवन मतलब क्लोजर, जी टू मतलब एसोसिएटिव, जी थ्री मतलब आइडेंटिटी, जी फोर मतलब इनवर्स, जी फाइव मतलब कम्यूटेटिव, जी सिक्स मतलब बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ए यदि जी का एलिमेंट है, मतलब ए क्या हो गया, एक इंटीजर है जो माइनस वन नहीं है। बी यदि जी का एलिमेंट है, मतलब बी क्या है, एक इंटीजर है वो माइनस नहीं है। और ऑपरेशन इसने जो दिया, यहाँ एंड लगा दो, इसका मतलब होता है एंड। और यदि ए ऑपरेशन बी भी वापस जी का आ जाए तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। और यहां आपको पता है ए ऑपरेशन बी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, और ये आपको पता है कि जी का ही होगा, दो इंटीजर का सम इंटीजर होगा भले माइनस वन के साथ भी हो, दो इंटीजर का प्रोडक्ट और एक इंटीजर प्लस एक इंटीजर हमेशा इंटीजर होगा, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। जी टू एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट लिए जाते हैं, ए बी सी तीन जी के एलिमेंट लिए। यदि आपका ए ऑपरेशन बी पहले इनमें लगाया फिर सी में लगाया, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी दोनों इक्वल आ जाए तो एसोसिएटिव का सेटिस्फाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले ए और बी में ऑपरेशन लगाया तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी, और ऑपरेशन हुआ सी। अब ये पूरा एक एलिमेंट है और ये पूरा दूसरा एलिमेंट है। अब ये काम कैसे करता है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट, तो ये पहला एलिमेंट ए प्लस बी प्लस ए बी, पहला एलिमेंट पूरा ए प्लस दूसरा एलिमेंट, फिर आपका पहला एलिमेंट ए प्लस बी प्लस ए बी और इनटू आ गया आपका दूसरा एलिमेंट सी। ठीक है, देखो कोई लोड नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके ही राइट हैंड साइड लानी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत हो, जैसे ये लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, आराम से सॉल्व करो, एक रियल नंबर दूसरा रियल नंबर तीसरा रियल नंबर, और यहाँ क्या हुआ ए बी और यहाँ क्या हुआ सी से मल्टीप्लाई करा तो एक तो बी सी और ये क्या हो गया सी ए और ये एबीसी, वो एक ही बात है, सारे रियल नंबर है ना, तो उनका कम्यूटेटिव है, कोई लोड नहीं है। भाई जिसको दिक्कत होना कि भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पहुंचने में दिक्कत हो रही है,
कोई टेंशन नहीं, लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल दो, राइट हैंड साइड अलग निकाल दो, ये लो राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हुआ। अब इस बार ए को अलग रखो और बी ऑपरेशन सी लगाओ पहले, ये राइट हैंड साइड यही है, यहाँ ए को रखा अलग पहला एलिमेंट, अब सोचो मत उसके बारे में, दूसरा निकालो, दूसरा क्या है, दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट। अब ये हो गया दूसरा एलिमेंट, ये हो गया पहला, तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, बी प्लस सी प्लस बी सी दूसरा एलिमेंट, फिर पहला एलिमेंट इनटू दूसरा एलिमेंट, ये बी प्लस सी प्लस बी सी, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ए बी और सी, सी कहां गया, ये तो एबीसी तीनों ही आ गए, फिर बी सी ए बी सी ए और एबीसी, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यहां से सॉल्व बिना को वैल्यू क्यों डायरेक्ट जनरलाइज हो रहा है, तो व्हाई व्हाई डू वांट टू टेक दिस, हाँ तो पूरा क्यों, लाइक आप जनरल तीन अलग क्वांटिटी लेके कर रहे हो, जनरलाइज मतलब कोई भी तीन, तो क्यों वैल्यू लेके करना है, और वही है बात, तो वही है बात, तो वही है ना, चीजें तो पता ही है ना, दो इंटीजर को ऐड करो बात वही है। जी थ्री का क्या मतलब है, ये आप यहां नहीं अपने नोट्स में भी कर सकते हो, ये जो मैं शॉर्ट तरीका यूज करता हूँ ना, मैं इस नेमिंग इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने बहुत पॉइंट आउट करा यहाँ पे, मैंने ग्रुप की डेफिनेशन में भी जीवन जी टू जी थ्री जी फोर को बहुत पॉइंट आउट करा था, पहले क्वेश्चन में बहुत पॉइंट आउट करा था, इसका फायदा यही है, यहाँ टाइम बच जाता है। अब देखो जीवन जी टू हुआ जी थ्री, जी थ्री का क्या मतलब है, वेरी गुड, आइडेंटिटी, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स कम्यूटेटिव ऑर्डर ऑफ ग्रुप Z, अब इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z, यदि ऐसा E मिल जाए G में, सच दैट A ऑपरेशन वो बोले जो E के साथ इक्वल टू A आ जाए, A ऑपरेशन E का क्या मतलब हो गया, पहला एलिमेंट A दूसरा एलिमेंट E, ऑपरेशन क्या बोल रहा है, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरा इक्वल टू A लाना है, यहां से E की वैल्यू निकल जाएगी, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक सेकेंड जीरो एक जीरो अपॉन नहीं नहीं वन प्लस ए, तो ये नहीं 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 वन प्लस ए यही कहा है, ए से ए कैंसिल हो गया जीरो अपॉन वन प्लस ए, तो देखो ए यदि माइनस वन हो जाता ना तो जीरो बाय जीरो डज नॉट एग्जिस्ट करना था, समझ गए ना, इसीलिए यहां पे इक्वल्स टू जीरो लिख दो, क्यों लिख दो, क्योंकि आपको पता है ए कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं है, ए जी का एलिमेंट है और जी का कोई एलिमेंट माइनस वन के इक्वल है ही नहीं, इसीलिए इसने दिया है माइनस वन को हटा, क्योंकि माइनस वन होते वहां, यू गॉट द रीजन। जी फोर तो ये क्या है, ये आपकी एडिटिव आइडेंट, मतलब सॉरी एडिटिव नहीं है, इस जो ऑपरेशन दिया है उसकी आइडेंटिटी है, Z4 क्या है, इनवर्स है, मतलब फॉर ऑल ए हर एक एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का इनवर्स उसी सेट में बिलोंग करेगा, सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स ई आना चाहिए, ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या होना चाहिए, ई आना चाहिए, ए ऑपरेशन ई ए इनवर्स का मतलब फर्स्ट ए इनवर्स इक्वल्स टू ई आपका जीरो, यहां से ए इनवर्स क्या हो गया, माइनस का ए अपॉन वन प्लस ए, इतना क्या प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखो तो ये वापस जी का जो एलिमेंट है, इसमें भी यदि ए क्या है माइनस वन के इक्वल नहीं, माइनस वन होता तो इंफिनिटी दे देता, माइनस के अलावा कोई भी इंटीजर है ये, तो सॉरी इंटीजर होगा तो इंटीजर प्लस ये माइनस वन तो इंटीजर आ जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इंटीजर कैसे नहीं होगा, फिर जी बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, देखो इंटीजर होता तो गलत होता, तो मैं बार बार वर्ड इंटीजर यूज कर रहा हूँ, रियल नंबर है, ये गलत लिखा मैंने गलती से, इंटीजर नहीं है रियल नंबर है, तो उनका कुछ ध्यान ही नहीं देते, वास्तविक संख्या
हिंदी में तो वास्तविक लिखा ना, वास्तविक था। इंटीजर होता ना तो माइनस एफ अपॉन इंटीजर, जैसे फाइव ले लो तो माइनस फाइव अपॉन सिक्स हो जाता, जो इंटीजर नहीं है तो ये गलत हो जाता, इनवर्स नहीं मिलता, बट रियल नंबर है ये। माइनस वन नहीं हो सकता तो नीचे कभी जीरो नहीं बनेगा, तो कोई भी रियल नंबर अपॉन नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये वापस रियल नंबर अपॉन रियल नंबर आपको लिखवा रखा है, रियल नंबर। एग्जैक्टली तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। जी सिक्स क्या होगा, जी फाइव क्या होगा, कम्यूटेटिव। ये फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट लिए जी के, ये यदि ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए आ जाए तो ये हो जाएगा। ये ए ऑपरेशन बी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी, आप इसको लिख सकते हो ना बी प्लस ए प्लस बी ए। कोई पूछे क्यों लिख सकते हो, ये दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, और रियल नंबर डॉट मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं, एक ही बात है। ये क्या आ गया, जी सिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि माइनस वन के अलावा कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट है। तो जी वन से जी सिक्स क्या हो जाएगा, बोलो, क्या है, इनफाइनाइट अवेली दो, मतलब अपरिमित लिख दो, इनफाइनाइट ही पढ़ा दूंगे, अपरिमित अवेली से। किसी को दिक्कत इसमें, समझ में आया प्रॉपर अच्छे से, यानी नेक्स्ट, हाँ एक करवा देता हूँ, दो मिनट लगने, हाँ तो जीरो इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, जीरो जीरो कहाँ रैशनली तो है, जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल किसको बोलते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो चलेगा, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, जीरो इज अ इंटीजर, जीरो इज पॉजिटिव रैशनल, कोई इशू नहीं। होमवर्क हो गया, वही सबको दिक्कत नहीं, वहां जो एक्सेप्ट होता है ना वो समझ लेना, इनवर्स में और ई में दिक्कत करेगा। एक और क्वेश्चन ले लो लास्ट, टू दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ रियल नंबर की जगह कर दो इंटीजर, कॉमन इनफाइनिटी अवेलेबल ग्रुप ऑपरेशन में दे देता हूँ थोड़ा सा, टू दैट द सेट ऑफ रियल नंबर की जगह कर दो इंटीजर, ये माइनस वन वाला आता है, ये जीरो नहीं है माइनस वन है, ठीक है, तभी यहां हो जाएगा पूर्णांक माइनस वन। लेट जी बी ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड ऑपरेशन बी डिफाइंड है, ऑपरेशन नीचे दे देंगे और यहां लिखो सभी पूर्णांकों, सभी पूर्णांकों का समुच्चय तथा संक्रिया ये दे रखी, ए प्लस बी माइनस वन है, और ए बी कहां जी का मेंबर समझ लो, तो प्रूव कर दो, ये आपका होमवर्क है। एक और होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, ग्रुप में भेजूंगा एक दो क्वेश्चन और, ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट हो गए, एक क्वेश्चन और है लिख देता हूं, सेम ही है फिर भी तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी कल वापस एक ऑर्डर्ड पेयर वाला क्वेश्चन है वो मुझे करवाना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप बनेगा। डू दैट द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, सेट जेड ऑफ ऑफ इंटीजर्स अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय
a plus b plus 1 for all a b belongs to R is an infinite abelian. हिंदी में हो जाएगा सिद्ध कीजिए पूर्णांक जेड पूर्णांकों का समुच्चय दिए गए द्विसंक्रिया, फिर यह द्विसंक्रिया लिख देना, एक अपरिमित अबेली समूह का निर्माण करता है। ठीक है, यह आपका होमवर्क है, बाकी टेस्ट पेपर भेज रहा हूं मैं।